लेकिन लगातार 7 बार चुनाव लड़े और अभी पता लगा फरवरी 2020 में लोकसभा के चुने हुए सांसद 7 बार के सांसद लोकप्रिय सांसद दादर नागर हवेली के सांसद ने आत्महत्या कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे दिनेश्वर शर्मा IAS लक्षद्वीप के। दिसंबर 2020 में उनकी मौत हो जाती है, 4 दिसंबर 2020 में उनकी मौत हो जाती है। गुंडा एक्ट भी कह रहे हैं, क्यों एंटी गुंडा एक्ट लक्षद्वीप में लाना पड़ा? पंचायती राज में जो चुनाव है वो वही लोग लड़ सकते हैं जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। आप समझे, ये कहीं देश में लागू नहीं है कि जिसके 2 बच्चे हैं या 2 से कम है वही चुनाव लड़ सकते हैं। सिर्फ लक्षद्वीप में इसे लागू किया जा रहा है, जिसे उनका खान पान, उनका रोजगार, उनका उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं। जो लोगों को वहाँ पर सब चीज़ों को तहस नहस बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन हो रहा है, उनके आवाजों को कुचलने के लिए गुंडा एक्ट लाकर धमकाया जा रहा है। पूरे देश में सेव लक्षद्वीप एक मुहिम चल रही है और मेरा भी सवाल वही है, कौन है लक्षद्वीप का खलनायक? मैं बहुत कम समय में आपको लूंगी कि क्या विवाद क्या अब शुरू हुआ है लक्षद्वीप को लेकर। मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगी, मुझे मालूम नहीं आप लोग हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, उसमें भारत के बहुत खूबसूरत आइलैंड हैं, आप कभी गए हैं नहीं गए, उसमें हमारा दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। विवाद लक्षद्वीप में चल रहा है, इस समय पूरा आंदोलन चल रहा है लक्षद्वीप के बारे में। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि लक्षद्वीप में 35 के करीब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 35 के करीब, और उस 35 में से 25 पे लोग नहीं रहते हैं, यानी कि वहाँ कोई लाइफ नहीं है, लेकिन 10 जो लक्षद्वीप के 10 जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये एक दूसरे से पूरा इलाका कहेंगे तो 35 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं, 10 छोटे छोटे द्वीप 35 स्क्वायर किलोमीटर में, और इनकी जो आबादी है वो 60,000 और 65,000 के करीब है, यानी कि दिल्ली के एक नगर निगम की सीट के बराबर। अब इतना ही लक्षद्वीप है, पर बहुत खूबसूरत, प्रकृति कुदरत के बहुत करीब है, हवा पानी आप देखेंगे, पर्यावरण को लेकर बहुत खूबसूरत, हमें गर्व होगा कि भारत के ये छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड्स हैं। और राहुल गांधी जी ने तो इसे जो है भारत का गहना जो है वो बताया है। और कांग्रेस के खास तौर से लोगों से कहूँगी कि कांग्रेस क्यों लक्षद्वीप के लोगों के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ी और क्या विवाद है। विवाद आपको मैं बताती हूँ, एक शख्स है खलनायक कौन है आप तय करिएगा, एक शख्स है जिनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल। कौन है प्रफुल्ल के पटेल? प्रफुल्ल के पटेल 2007 में गुजरात से विधायक चुने गए, 2007 में, और 2010 में जब देश के आज के गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ी पार कह के गुजरात से बाहर कर दिया गया था, गृह मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तब 2010 में यही प्रफुल्ल के पटेल गुजरात के गृह मंत्री बने। 2010 में और 14 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तब इन्हें प्रफुल्ल के पटेल को जो है सबसे पहले दमन दीव यूनियन टेरिटरी है उसका इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया, और उसके बाद आगे चले 2014 में बनाया, तो 2016 आते आते इन्हें जो है दादर नागर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया इन्हें, और 2016 के बाद 2019 आते आते जो दमन दीव और हमारा दादर नागर हवेली है, इन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक कर दिया गया, और इन दोनों का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है प्रफुल्ल के पटेल, जो संघ भाजपा RSS की बैकग्राउंड, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री, उन्हें बनाया गया। विवाद ये हुआ कि आज़ादी से 70 सालों में 35 के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन यूनियन टेरिटरी में बनाए गए, लेकिन पहली बार हुआ कि किसी राजनीतिक विचारधारा के पॉलिटिकल आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाकर इसके ऊपर बिठा दिया गया। चलिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, सरकारें आती हैं, बदलाव आते हैं, जो 70 सालों में नहीं बदला वो अब बदला कि राजनीतिक व्यक्ति को बिठाया जाएगा, इससे पहले IAS को बिठाया जाता था। अब हुआ ये कि सबसे पहले इनको जब दमन दीव का बनाया गया, तो दमन दीव में इन्होंने जो है वहाँ पर जो मकान थे विकास के नाम पर, लोगों को बेघर किया, वहाँ पर बुलडोजर चले, और वहाँ पर जो है जो लोग बेघर हुए, वहाँ के जो सांसद लालू पटेल भाजपा से आते हैं,
उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वहां पर 144 धारा लगाने के बाद जितने स्कूल थे उन्हें जेल में बदल दिया गया और बोला कि अगर दमन दीव में ये जो डेमोलिशन चल रहा है, जो गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोला तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो लालू पटेल जी भाजपा के थे, कार्रवाई भाजपा के ही नियुक्त किए एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब दमन दीव से जब बात आगे पड़ी तो अब सुनिएगा, अब चौंकाने वाली बात है। अब आती है बात दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली के सांसद 7 बार चुनकर आए, लोग यूं ही नहीं चुनते, एक जनप्रतिनिधि को लगातार 7 बार चुना गया, जिनका नाम था मोहन डेलकर। मोहन डेलकर को जो है दादर नागर हवेली के लोगों ने 7 बार चुना, कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में भी गए, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, लेकिन लगातार 7 बार चुनाव लड़े। और अभी पता लगा फरवरी 2020 में लोकसभा के चुने हुए सांसद, 7 बार के सांसद, लोकप्रिय सांसद, दादर नागर हवेली के सांसद ने आत्महत्या कर दी है। और आत्महत्या में 15 पेज का इनका सुसाइड लेटर था, 15 पेज का सुसाइड लेटर गुजराती में लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात, उस सुसाइड लेटर में नाम था, जी हाँ, इन्हीं गुजरात के पूर्व गृह मंत्री जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रफुल्ल के पटेल को मोहन डेलकर ने जो है अपनी हत्या का दोषी बताया। लगा कि अब नैतिकता के आधार पर प्रफुल्ल के पटेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष जांच जो है वो हो सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। प्रफुल्ल के पटेल आज भी अपने पद पर बने हुए हैं और उनके बेटे जो है मोहन डेलकर के जो बेटे हैं अभिनव, उनका आरोप था कि उनपे उनके पिताजी पर बहुत ज़्यादा दबाव प्रफुल्ल के पटेल द्वारा बनाया जा रहा था और उनसे 25 करोड़ रुपया भी जो है वो मांगा जा रहा था। ये अभिनव उनके बेटे के आरोप है, उनसे उनको बहुत प्रशासनिक दबाव था, वो लोगों के बहुत से काम नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पर 90 के करीब घर भी थे जिन्हें उजाड़ दिया गया था, ये कहकर कि विकास के नाम पर ये घर उजाड़े जा रहे हैं। और जिनके घर उजाड़ दिए गए उनको कहा गया कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लेकर मकान बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ नहीं कहीं और। इन सब चीज़ों से कहते हैं कि परेशानों का मोहन डेलकर 7 बार के जो सांसद रहे उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो अब दमन दीव से दादर नागर हवेली तक आते हैं। अब आती हूँ मैं लक्षद्वीप पर वापस। लक्षद्वीप में 3 तरह का, पहला एक सांसद होता है, जैसे दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, आपका अंडमान निकोबार में सांसद है, वैसे यहाँ एक सांसद है। उसके बाद लोकल बॉडीज यानी कि पंचायती राज है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए सीधा लोकसभा सांसद के बाद पंचायती राज, पंचायती के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। तो अब जो दमन दीव, दादर नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था प्रफुल्ल के पटेल, उन्हें ही लक्षद्वीप भी सौंप दिया गया। यानी कि लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है कि सक्षम अच्छे अधिकारियों की, लोगों की कमी है, इसलिए एक आदमी को ही सब कुछ सौंपा जा रहा है। लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो सौंपा जा रहा था वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश क्या है आपके सामने रख रही हूँ, साजिश ये है, अब ध्यान से सुनिएगा, सिलसिलेवार मैं आपको बताती हूँ। लक्षद्वीप के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे दिनेश्वर शर्मा आईएएस लक्षद्वीप के, दिसंबर 2020 में उनकी मौत हो जाती है, 4 दिसंबर 2020 में उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप का भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया जाता है मात्र 6 महीने पहले। जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुए दिसंबर तक एक भी कोरोना का मामला लक्षद्वीप में नहीं था। जब ये बने दिसंबर में तो जनवरी में सबसे पहला मामला लक्षद्वीप में कोरोना का आया और अभी तक बताते हैं कि 6000 मामले और 24 मौतें लक्षद्वीप में भी हो चुकी हैं। कारण प्रफुल्ल के पटेल को ही बताया गया, ये कहा गया कि इन्होंने नियम कानूनों में पूरी ढिलाई दे दी। पहले ये था कि आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, आप अगर आपको उसके बाद क्वारंटाइन होना पड़ेगा, पाबंदियाँ थी, उन सब में ढील दे दी कि नहीं आप एंटी जो है फास्ट एक टेस्ट करा कर उसकी रिपोर्ट लेकर आ जाइए, वो सच्ची हो फर्जी हो कुछ भी, बस एक कागज़ दिखाइएगा और आप आ सकते हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि लक्षद्वीप भी कोरोना की चपेट में आया। अब मैं फिर मुद्दे पर वापस आ रही हूँ। यहाँ पर अब भारत सरकार
लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट लेकर आई है। ध्यान से सुनिएगा, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट कब आया? 2021 अप्रैल में, पिछले महीने। देश में क्या चल रहा है? कोरोना महामारी चल रही है, देश उससे जूझ रहा है, लेकिन देश की सरकार ठीक उसी तर्ज पर जैसे 2020 तालेबंदी का फायदा उठाकर अध्यादेश चोर दरवाजे से, अध्यादेश के द्वारे से फार्म लॉज, कृषि कानून लेकर थोप दिए पूरे देश के ऊपर, ठीक उसी तरह 2021 पिछले महीने अप्रैल में लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट ले आई है कैबिनेट में एक मीटिंग की और एक्ट आ गया। अब इस एक्ट के बाद समस्या क्या आ रही है? इस एक्ट तक नहीं रुके, इस एक्ट के बाद जो है इसमें प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज जिसे एंटी गुंडा एक्ट भी कह रहे हैं। क्यों एंटी गुंडा एक्ट लक्षद्वीप में लाना पड़ा? जब खोज की तो पता लगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो किसी राज्य में कितना अपराध है उसको बताता है, इन्होंने बताया कि लक्षद्वीप में अपराध ना के बराबर बिल्कुल नहीं है, पूरे साल में 12 13 10 15 मामलों से ज्यादा नहीं आते हैं। फिर गुंडा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ गई जबकि वहां तो क्राइम है नहीं, जरूरत क्या पड़ी? अब आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा और आगे चलिएगा। अब जी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट जब आया, ध्यान से सुनिएगा, अब प्रॉब्लम का, यहाँ के सांसद है मोहम्मद फैजल, एनसीपी से आते हैं, माइनॉरिटी मुस्लिम बहुलक इलाका लक्षद्वीप को माना जाता है। अब यहाँ पर इस एक्ट के बाद में बीफ बैन हो गई है, जो वहाँ के लोगों का संस्कृति, खाना, हर एक राज्य का, केरला जाएं, हिमाचल जाएं, कश्मीर जाएं, गुजरात जाएं, राजस्थान, हर एक का अपना एक खाना, बोली, पहनावा है, तो लक्षद्वीप में बीफ बैन कर दिया। आपत्ति कहाँ होती है? गोवा में किसकी सरकार है? भाजपा संघियों की सरकार है। गोवा में बीफ बैन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ भाजपा की सरकार है, 5 साल पूरे करने वाली है, वहाँ बीफ बैन नहीं है, वहाँ आप खुले आइए और बीफ जितना खाना खाइए, लेकिन लक्षद्वीप में बीफ बैन कर दिया गया जिसका विरोध वहां के लोग कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा, गुजरात से आते हैं ये प्रफुल्ल के पटेल, गुजरात में आपको पता है शराब पूरी तरह से पाबंदी है और उसी तरह लक्षद्वीप के इन 10 छोटे छोटे द्वीपों पे भी शराब पर पूरी तरह पाबंदी है। शायद इसीलिए बताते हैं कि वहां पर बहुत क्राइम या क्राइम ना के बराबर है क्योंकि शराब और नशा नहीं है वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुजरात से जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिठाए गए संघ के प्रफुल्ल के पटेल जो गुजरात से आते हैं, वहां तो नशेबंदी है, पर यहां पर आकर उन्होंने 10 में से तीन द्वीपों पर, आइलैंड पर शराब की पाबंदी को हटा दिया है। जितनी मर्जी शराब वहां बेच सकते हैं, पब खोल सकते हैं, पी सकते हैं। किसके लिए कर रहे हैं आगे जाकर आपको पता लगेगा कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ये पाबंदियाँ जो शराब पर उनके 10 छोटे छोटे लक्षद्वीप के आइलैंड द्वीप पर है वो हटे, वो नहीं चाहते। लेकिन संघ प्रमुख आरएसएस के जो लोग आए हैं, बिठाए गए हैं एक साजिश के तहत वहाँ के ताने बाने को डिस्टर्ब करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर गुजरात में तो नहीं हटाया, यहाँ पर आकर 3 पे हटा दिया जिसके लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। आगे आइए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर पंचायती राज है, पंचायती राज के पास 5 चीज़ें आती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री और आपका जो है फिशरी और एग्रीकल्चर, ये पंचायत के पास था। लेकिन संघ के प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटिव जो केंद्र ने बिठाए हैं, उन्होंने पंचायत की ये सारी पांचों ताकतें छीन कर अपंग मैं कहूँ और नकारा कर दिया, पंचायतों को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर अब उनकी कोई ताकत नहीं क्योंकि अब ये इनके अधीन जो है आ गया। और वहाँ के लोगों का 19 तारीख को अप्रैल 2021 में ये एक्ट आया, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट, और 19 मई तक कहा गया आपकी जो आपत्तियाँ दे दीजिए। लेकिन आपत्ति क्या, पूरा प्रोटेस्ट ही चल रहा है उसको देखते हुए, उनकी आपत्ति साफ है कि वो नहीं चाहते कि आप ये सुधार करें। वो कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शराब खोल दी गई है। अब यहाँ पर कहा गया कि पंचायती राज में जो चुनाव है वो वही लोग लड़ सकते हैं जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। आप समझे, ये कहीं देश में लागू नहीं है कि जिसके 2 बच्चे हैं या 2 से कम है वही चुनाव लड़ सकते हैं। सिर्फ लक्षद्वीप में इसे लागू किया जा रहा है, इसे गोवा में
दूसरी यूनियन टेरिटरीज में क्यों नहीं लागू किया जा रहा, मालूम नहीं, लक्षद्वीप में किया जा रहा है। और कहना आया है कि अगर भाजपा इसे देश में लागू कर दे, अगर इतना ही अच्छा फार्मूला है तो देश में लागू कर दें, तो आपको मालूम है भाजपा के 303 सांसदों में से 96 सांसद ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। और भाजपा की 272 303 की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो 207 पर आ जाएगी और गिर जाएगी। आप समझ रहे हैं, इतना ही अच्छा कानून है तो देश पे लागू कर दीजिए कि जिनके 2 बच्चे हैं वही अब रहेंगे, बाकी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, चुनाव अगला 2024 का नहीं लड़ेंगे। लेकिन नहीं, लक्षद्वीप को एक साजिश, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ जो स्ट्रांग नेता है पंचायत में उन्हें रोकने के लिए हर तरीके के ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से रोका जाए, तो इसी में 2 से अधिक बच्चे जो जिनके हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, इसे भी लेकर आए। अब सबसे बड़ी बात जो गुंडा एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर अपराध ना के बराबर है, जहाँ पर ये गुंडा एक्ट जो है आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं चाहिए, वहाँ पर ये कहा गया है कि अब ये एक्ट आने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। जुडिशरी की ताकत हटा के पुलिस या कानून ले आया गया है कि जो भी आवाज उठाएगा उस तानाशाह के खिलाफ उसे पकड़ कर बिना बेल के, बिना जुडिशरी किसी भी सामने पेश हुए जेल में डाल दिया जाएगा और 1 साल तक उसे जेल में रखा जाएगा और उसे वकील, उसकी बेल, उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ये क्या है, क्यों किया जा रहा है ये सब, क्यों लोकतंत्र में उठ रही वहां के लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है कि आपने अगर आवाज उठाई तो पुलिस आपको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, बेल नहीं होगा और 1 साल तक आप अंदर रहेंगे। ये उन्होंने पहली बार नहीं किया। UAPA एक्ट 2019 आपको याद है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोले, देशद्रोह के कानून लगाइए, देशद्रोह के कानून लगा दीजिए, राजद्रोह के कानून, उनकी आवाज़ों को बंद करके जेल में ठूस कर डाल दिए। और कितने लोगों को, 6,000 के करीब तो UAPA में ही आवाज़ों को कुचलने के लिए मामले डाले और लोग जेल में हैं। यही लक्षद्वीप में शुरू हो गया है जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। इससे पहले जो दादर नागर हवेली के, मैंने जो कहा जो सांसद आत्महत्या की फरवरी में, इससे पहले कानन गोपीनाथ जो IAS अधिकारी थे उन्होंने भी इस बात के लिए चुनाव आयोग को कहा था कि प्रफुल्ल के पटेल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताए गए हैं उन्हें जो है निष्पक्षता से काम नहीं करने दे रहे। चुनाव आयोग ने फटकार लगाई थी प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को, दिल्ली तक बात पहुंची तो मंजूर नहीं था कि संघ के बिठाए आदमी को कैसे फटकार लगा सकते हैं, हटाना उनको था, प्रफुल्ल के पटेल को हटा दिया, इस्तीफा ले लिया IAS अधिकारी कनन गोपीनाथन से। तो ये सब चीज़ें आपको मैं समझा रही हूँ। अब अगर आपको लगता है कि लक्षद्वीप को हम ये संदेश दें, क्या बिशक 60-65 हज़ार होंगे, बिशक आप 35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सीमित होंगे, बिशक आप देश की राजधानी दिल्ली से कोसों दूर होंगे, बिशक देश आप तक नहीं पहुँच पा रहा, पर लक्षद्वीप के लोगों की आवाज़ दिल्ली में बैठे हुए मेरे जैसे और आप जैसे लोग उठाएंगे और उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्योंकि ये जो एक्ट लाया गया है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी एक्ट, ये कह रहा है हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे, वहाँ पर एक मछुआरा जो है लक्षद्वीप का, वहाँ पर जो 3 आइलैंड्स हैं जहाँ पर शराब की पाबंदी दी, जिसे अब इजाज़त, खुली इजाज़त दे दी गई है संघ भाजपा के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड द्वारा, और वहाँ पर जो लोग थे मछुआरे थे, लोकल लोग थे, उनके वहाँ पर घरों को तोड़ दिया गया है, उन्हें वहाँ से बेघर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली गई है। और 24 मई को एक मछुआरे जो हमारे भाई वहाँ से हैं उन्होंने हमसे अपील की कि हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। और मकसद क्या है, मकसद ये है कि इन छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड कई मोदी जी के पूंजीपति मित्रों को पसंद आ गए। अब ये खूबसूरत छोटे छोटे आइलैंड्स वो छोड़ना नहीं चाहते, जैसे वो मेहुल चौकसी भाई एक आइलैंड पे विदेश में भागे फिर रहे हैं, है ना। तो अब नहीं चाहते होंगे देश के प्रधानमंत्री जी कि उनके परम मित्र, पूंजीपति मित्र, जिनके धन और बल और पैसों से वो 1 नहीं 2 बार चुनाव लड़े, है ना, जिनका दोनों का व्यापार जो है मंदी में भी, जब विकास दर गिरी हुई है, वो एशिया के सबसे रिचेस्ट लोग 1 और 2 नंबर के बन गए हैं, अब उनको भारत के ये आइलैंड पसंद आ गए होंगे, अब उनको ये आइलैंड चाहिए, अब इस आइलैंड चाहिए और वहां पर हो सकता है वो 5 सितारा होटल बनाएंगे।
वो वहाँ पर हो सकता है पर्यटन का जो भी फायदा है वहाँ के लोकल लोगों को मिल रहा है वो इनके बाहर से बिठाए हुए लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ और काम देंगे और इनको बेघर करके बेरोजगार कर दिया, आइलैंड पसंद आ गया है। और आप इन बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को, राजघराने के लोगों को अपने निजी हवाई जहाज में उड़ान भरते हुए प्राइवेट इन छोटे छोटे हमारे खूबसूरत द्वीप पे, कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य में देखेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रही हूँ कि ये खुली तानाशाही चल रही है। लक्षद्वीप हो, छोटे छोटे आइलैंड्स हमारे द्वीप हैं, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका रोजगार, उनका उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं। आपको लगे कि 135 करोड़ के भारत में अगर 65,000 लोग बेघर कर भी दिए गए, बेरोजगार कर भी दिए गए, अन्याय हो भी रहा है, तो नज़रअंदाज कर दीजिए। ये आपको तय करना है। अगर आपको लगता है नहीं, ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये ना इंसाफी है, अन्याय है लक्षद्वीप के लोगों के साथ, हमें उनकी आवाज़ बनना है, हमें उनके साथ जो नारा है सेव लक्षद्वीप के नारे को बुलंद करके उन्हें ताकत देनी है। सरकार को श्री राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित राज्य है, राष्ट्रपति जी के अधीन देख रेख में चलते हैं और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वो भी राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है कि तुरंत केंद्र सरकार द्वारा तानाशाह तरीकों से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल संघ का अध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारी बिठाए गए हैं, जो लोगों को वहां पर सब चीज़ों को तहस नहस बर्बाद कर रहे हैं, वहां आंदोलन हो रहा है, उनके आवाज़ों को कुचलने के लिए गुंडा एक्ट लाकर धमकाया जा रहा है, उस लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी एक्ट को वापस लिया जाए। अब हमारी मांग आपको समझ आ गई और क्यों ये मांग कर रहे हैं उम्मीद करता है ये भी समझ आप सबको आ गई होगी। इसीलिए 186 पन्नों का अप्रैल 2021 पिछले महीने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट लाया गया है। फिर वही कैबिनेट में चंद लोग बैठे, एक मीटिंग की, अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से थोप दिया गया लोगों पर, जो वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है, वो आंदोलित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आवाज बनेगी। मोहन डेलकर जो दादर नागर हवेली के 7 बार के सांसद रहे, उनके बेटे अभिनव न्याय मांग रहे हैं अपने पिता के लिए। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम निष्पक्ष जांच चाहती है और चाहती है कि जो गुजराती में 15 पेज का सुसाइड नोट मोहन डेलकर लिख कर छोड़ गए हैं, जिसमें प्रफुल्ल के पटेल का नाम भी है, उन्हें पद से तुरंत हटाते हुए तुरंत इसकी जो है निष्पक्ष जांच जो है वो करके देश के सामने लाई जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूँगी, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैं उतनी जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ, और इस उम्मीद के साथ लक्षद्वीप के लोग इसलिए भी कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि पीएम सैयद साहब लोकसभा के स्पीकर भी रहे 10 बार। जी हाँ, 10 बार इसी लक्षद्वीप से वो सांसद चुने गए, 10 बार। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो थे उन्होंने लक्षद्वीप के लोगों की संस्कृति, खान पान, पहनावा, उनकी रोजी रोटी छीनने का कभी काम नहीं किया। अंग्रेजों के 100 साल पहले ये जरूर हुआ था, जो है कहते हैं रॉलेट एक्ट अंग्रेज 100 साल पहले लाए थे कि आवाज उठाई कोई सुनवाई नहीं होगी, बेल नहीं होगी, जेल में डाल दिया जाएगा और सालों तक कोई आपको सुनेगा नहीं। एक डराया जाता था तानाशाही के दम पर, वही केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। हम देश के राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, मत कुचलिए लोकतंत्र में उठती इन आवाज़ों को। सेव लक्षद्वीप के नाम से बहुत कम साथी जुड़े, लेकिन मुझे मालूम था मुद्दा मात्र लक्षद्वीप का है, क्योंकि इससे पहले वाले लाइव देश के अनेकों मुद्दों पर मैंने बात की, 1,000 से ऊपर लोग लाइव जुड़े। मैं सोच रही थी कि ये लक्षद्वीप का मामला है, देश की, भारत की राजधानी दिल्ली सत्ता के इन गलियारों से कोसों दूर है, हवाई जहाज करके कितने बार वहां पर पहुंचने के लिए भी बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आवाज़ बनिए। वहां के जो पोर्ट है
जो लक्षद्वीप के हैं उनको केरला से जुड़े हुए, वहाँ पर मलयालम बोली जाती है, मैंने कहा मुस्लिम बहुलक इलाके हैं, और केरला के साथ उनका जो है फिशरी कहें, एनिमल हस्बेंड्री कहें, व्यापार एग्रीकल्चर का ज़्यादा अच्छा रहा है। अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। आपको मालूम है कि अब लक्षद्वीप केरला के साथ व्यापार नहीं कर सकता। लक्षद्वीप अब भाजपा तय करेगी कि मैंगलोर, कर्नाटका मैंगलोर के साथ अब व्यापार होगा। वहाँ के लोग नहीं चाहते, वहाँ के लोग मलयाली बोलते हैं, वहाँ के लोग केरला के साथ, उनकी सरकार केरला की सपोर्टिव उनको रही है, इसलिए वो उन्हीं के साथ करना चाहते हैं। पर सरकार वो नहीं कर रही जो लोग चाहते हैं, सरकार वो कर रही है जो उनके एजेंडे को सूट करता है। मैं अपने सब साथियों से कहूँगी, 253 साथी अभी भी देख रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस और जो लोग बिल्कुल लक्षद्वीप के साथ, लक्षद्वीप के 65,000 की मात्र छोटी सी आबादी के, हमारे ही अपने देश के लोग जो उनके साथ लड़ाई चल रही है, उनके अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लक्षद्वीप के लोगों को भी लगे, जैसे मैंने पहले कहा, आप अकेले नहीं हैं। राजधानी दिल्ली में आपकी आवाज़ बनकर भारत के हमारे जैसे बहुत से नागरिक गूंज रहे हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लक्षद्वीप के लोगों को अपना एक भी कदम पीछे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये गुंडा एक्ट भी वापस होगा और ये नया लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी एक्ट जो लाए हैं वो भी उन्हें वापस लेना होगा। बीफ पे बैन करनी है, खुली चुनौती है कि नॉर्थ ईस्ट जहां भाजपा की सरकार है, गोवा जहां भाजपा की सरकार है, दम हो, हिम्मत हो, पहले वहां बैन करिए। दो बच्चे जिनके वो चुनाव लड़ सकते हैं, एक अच्छा आने वाले भविष्य में इस पर चर्चा करके लागू देश में भी करना चाहिए, जितने सांसद विधायक हैं वहां पर भी, पर मात्र लक्षद्वीप को एक मकसद के साथ इसे थोपा जा रहा है। वहां पर लोगों को बेघर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, पूंजीपति मित्रों के लिए आने वाले समय में टूरिज्म शराब क्योंकि खोल दी गई है, लोग नहीं चाहते कि शराब खुले। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वहाँ की आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत आबादी बढ़ रही है, वहाँ की आबादी भी आप देखेंगे दूसरे अगर कोई राज्यों की अगर मैं तुलना करूँ तो कितने गुना बढ़ रही है। वहाँ पर आबादी भी ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत बढ़ रही है, इसलिए दो बच्चे पर वाली रूल लागू कर देना चाहिए। वहाँ की महिलाएं कहें तो सबसे ज़्यादा शिक्षित महिलाएं हैं, जागरूक लोग हैं, और वहाँ पर कोई कहते हैं क्राइम अपराध नहीं है, फिर गुंडा एक्ट लगाकर मात्र लोकतंत्र की आवाज़ों को दबाने का काम गुंडा सरकार कर रही है। ये गुंडा एक्ट केंद्र की भाजपा सरकार पर लागू होना चाहिए, ना कि लक्षद्वीप के लोगों के ऊपर। और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को बेघर करना, बेरोजगार करना, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए रास्ते खोलना बंद कर दीजिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जाते जाते आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आज खास अपने ही भारत के दूर दराज बैठे हुए, भारत के समुद्र में छोटे से बिंदु हैं, छोटे से बिंदु 35 स्क्वायर किलोमीटर में बसे हुए 65,000 लोग 10 आइलैंड में बसे हुए हैं, इनकी आवाज़ बनने के लिए आई हूँ, क्योंकि अगर आज इनके लिए नहीं बोलेंगे तो दादर नागर हवेली के सांसद आत्महत्या कर चुके हैं, दमन दीव के सांसद रो रहे हैं स्कूलों को जेल में बदलकर, वहाँ के लोगों को बेघर करके वहाँ जेलों में ठूस दिया गया, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल लड़ रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति दिल्ली में बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उनका बिठाया हुआ है, वो तानाशाहियाँ कर रहे हैं, तो हमें इन्हें दिल्ली में ही रोकना होगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लक्षद्वीप के 65,000 लोगों को लगे वो 65,000 नहीं, 130 करोड़ भारतीय हम उनके साथ हैं और आज नहीं आने देंगे। उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनके पहनावे, उनके खान पान, उनकी उनके उनकी रोजी रोटी और उनके घर नहीं छीनने देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने रखें, हाथ को लगातार